Assalamu Alaikum today we are starting our third lecture of history for grade 6 lesson number 3 the beginnings and spread of christianity in previous lecture we studied about early life of jesus christ now open your book from page number 8 and the topic is crucifixion in about ad 33 jesus was arrested and tried as a troublemaker by the Roman governor, who found he was not guilty. He was then handed over to the Jewish religious courts and was found guilty of saying things against the religion. The court authorities handed him back to the Romans for execution by crucifixion. The punishment for serious criminals. Since then, the cross has become the symbol of the christian church because people of the christian faith believe that jesus was crucified तकरीबन ए डी थर्टी थ्री में जीजस को गिरफ़्तार कर लिया गया और उन्हें रोमन गवर्नर के सामने तकरीबकार करार देने की कोशिश की गई लेकिन जब रोमन गवर्नर ने इन्हें बेकसूर जाना तो उसने उन्हें जुश रिलीजियस कोर्ट के हवाले कर दिया जिसने उन्हें मज़हब की मुखालफत के बाईस मुज़रिम करार दे दिया कोर्ट अथॉरिटीज़ ने इन्हें दोबारा रोमन्स के हवाले कर दिया ताकि उन्हें क्रूसफ़िक्शन के ज़रिए सज़ा दी जा सके ये सज़ा बहुत ही संगीन मुजरमों को दी जाती थी उस वक्त से आज तक क्रॉस क्रिस्टन चर्च का सिंबल यानि अलामत बन गया क्योंकि क्रिस्टन्स को यकीन था कि जीजस को क्रूसफाइट यानी सूली पर चढ़ा दिया गया था जीजज डिसाइपल्स से दैट ही केम बैक टू लाइफ थ्री डेज आफ्टर हिज डेथ एंड फॉर द नेक्स्ट फोर्टी डेज वॉज सीन बाय मैनी ऑफ हिज फ्रेंड्स बिफोर ही वेंट अप टू हेवन ही टोल्ड दैम टू प्रीच हिज रिलीजन टू ऑल पीपल एंड नॉट ओनली टू द जूज एज ही हैड फर्स्ट इंटेंडेड जीसस के पैरोकारों का कहना था कि वो अपनी मौत के तीसरे दिन दुनिया में वापस आए और इसके बाद उनके आसमान तक जाने से पहले इनके बहुत से दोस्तों ने उन्हें अगले चालीस दिनों तक देखा उन्होंने उन लोगों से अपने मजहब की तबलीग के लिए कहा ना सिर्फ जूस बल्कि तमाम लोगों तक जैसा कि वो हमेशा से चाहते थे नाउ ओपन योर डॉकेट क्वेश्चन नंबर सिक्स हाउ डिड जीसस क्रिस्ट गदर हीज सपोर्टर्स जीसस क्रिस्ट ने अपने सपोर्टर्स को कैसे यकजा किया आंसर इज़ जीसस क्रिस्ट वॉन्टेड अबाउट पेलस्टाइन फॉर थ्री ईयर्स एंड बाय पीचिंग एंड परफॉर्मिंग मेरेकल्स गैदर्ड मैनी सपोर्टर्स जीसस क्रिस्ट फलस्तीन में तीन साल तक घूमते रहे और उन्होंने तबलीग और मुजजात के जरिए अपने बहुत से सपोर्टर्स बना लिए क्वेश्चन सेवेन When was Jesus Christ arrested? Jesus Christ ko kab gaya? Answer is Jesus Christ was arrested in about AD thirty three and tried as a troublemaker by the Roman governor. Who found he was not guilty? He was then handed over to the Jewish religious courts and was found guilty of saying things against the religion. द कोर्ट अथॉरिटीज़ हैंडेड हीम बैक टू द रोमस फॉर एक्जीक्यूशन बाय क्रूसफिक्शन विच वाज़ द पनिशमेंट फॉर सीरियस क्रिमिनल्स ए डी थर्टी थ्री में जीसस क्रिस्ट को गिरफ्तार किया गया और रोमन गवर्नर के सामने उन्हें तखरीबक बनाने की कोशिश की गई रोमन गवर्नर ने उन्हें बेकसूर पाया तो उन्हें जूश रिलीजियस कोर्ट के सामने पेश कर दिया उन्होंने मज़हब के ख़िलाफ़ बयान पर उन्हें मुजरिम करार दे दिया कोर्ट अथॉरिटीज़ ने उन्हें दोबारा रोमस के हवाले कर दिया कि वो उन्हें क्रोसफिक्शन की सज़ा दें जो कि संगीन मुजरमों की सज़ा होती थी गेट रेडी फॉर होम टास्क लेसन नंबर थ्री पेज नंबर एट एंड नाइन रीड द पैराग्राफ्स थ्री टाइम्स लर्न एंड क्वेश्चन नंबर सिक्स एंड सेवन इन द एयर it is the end of our third lecture of lesson number 3 we will continue in next lecture till then allah hafiz and thank you